नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करने वाला हूँ गाइस आईआरएफसी की, और आईआरएफसी में बात करेगा दोस्तों, देखिए मैं पहली चीज आपको क्लियर कर दूं, आईआरएफसी में ऐसा कुछ बहुत ज्यादा बात करने के लिए नहीं है। लेकिन आईआरएफसी में इतने कमेंट्स आए, या इतने मैं कहूंगा क्वेरीज आई कि सर आईआरएफसी आने वाले हफ्ते में क्या करने वाला है, क्योंकि इसमें थोड़ी तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो आने वाले वीक में किस तरह की चाल हो सकती है आईआरएफसी में, इस तरह की बातें करूंगा दोस्तों, और थोड़ा सा बात इसके प्राइस एक्शन में करूंगा। लेकिन कोई भी ऐसा कुछ बहुत बड़ा इवेंट नहीं हो गया है जिसके लिए आपको डरना चाहिए, वीडियो जरूर देखना चाहिए। ये सिर्फ उनके लिए है जिन्हें थोड़ी क्वेरी है नेक्स्ट वीक के लिए दोस्तों, जो आईआरएफसी बने हुए हैं। तो मैं बता दूं उनको, उनके लिए कोई भी ऐसी कोई न्यूज नहीं आई निकल कर दोस्तों, केवल एक छोटा सा डिस्कशन करने वाला हूं प्राइस एक्शन पे, कुछ बातें करूंगा वॉल्यूम्स को लेकर के। तो जो अगर आईआरएफसी में कुछ इंटरेस्ट देखना चाहते हैं तो वीडियो देख सकते हैं, कोई भी बड़ी न्यूज़ नहीं है तो आप ये वीडियो स्किप भी कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों देखिए आईआरएफसी में कुछ ज़्यादा बताने लग रहता नहीं है, बार बार लोग जो दूसरे, मतलब दूसरे तो नहीं, किसी को क्या बोलना चाहिए इसमें, हाँ लेकिन ये है कि कई लोग इसमें ऐसी बातें करने लगते हैं कि जो बिना सिर पैर की रहती है दोस्तों, और जो रिटेल इन्वेस्टर है बेचारे वो पैनिक हो जाते हैं। और मैं समझता हूँ दोस्तों, क्योंकि मैं भी एक समय हमेशा कहता हूँ कि मैं भी एक रिटेल इन्वेस्टर ही हूँ, और अपने पूरे समय से दोस्तों जो चीज़ सीखा हूँ वो है माइंडसेट, और वही आपके साथ यहाँ चर्चा करूंगा थोड़ी सी। तो फिर मैं बोल दूँ आईआरएफसी के लिए स्टॉक, या कोई आप कहेंगे कि कोई बहुत न्यूज आ गई है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो आप इत्मीनान से इस वीडियो को यहीं स्किप कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। लेकिन वीडियो का बनाने से पहले अगर आप आए हैं दोस्तों तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाएं, वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। दोस्तों देखिए, पहले मैं आपको शेयर प्राइस में ले जाऊं, आप देखिए कि 0.21% दोस्तों लगभग फ्लैटिस्ट थी दोस्तों इसने क्लोजिंग दी हुई है, ठीक है, इसने एक फ्लैटिस्ट सी क्लोजिंग दी हुई है। अब फिर मैं आपके साथ आगे चर्चा करूं, आप देखिए कि पिछले 5 दिनों में ना एक लगभग आप इधर देखिए कि ये भी फ्लैट है दोस्तों, 1% के आसपास की तेजी हफ्ते भर में, ठीक है, महीने भर में ये अभी भी नेगेटिव है दोस्तों, -3.67% इसमें नेगेटिविटी आ रखी है दोस्तों, ठीक है। और जैसे कि दोस्तों अभी भी अपने आईपीओ प्राइस से काफी नीचे है दोस्तों, ठीक है, आईपीओ प्राइस से काफी नीचे है। और मैं बता दूं दोस्तों, नियर टर्म में अगर कोई ऐसी बहुत बड़ी न्यूज या कोई एक्विजिशन नहीं आता, नियर टर्म में कोई भी ये मल्टीप्लायर रिटर्न तो छोड़िए अपने आईपीओ के प्राइस के पास भी नहीं आने वाला। तो क्या करें, बेच दें दोस्तों? देखिए बिल्कुल बेचने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये बात याद रखना है कि इसमें होराइजन कितना रखना है दोस्तों, 3 से 7 साल मैं कहता हूं। प्लस आपको रैशनल क्या रखना है कि भैया अपने माइंडसेट को याद रखिए कि केवल 9% से लेकर के 10% के आसपास का ही आपको रिटर्न देगा दोस्तों, एक रैशनल रिटर्न। और ये दोस्तों इसमें 4.457% जो अभी लगभग उसकी डिविडेंड मिल रही है ये इसमें इंक्लूडेड है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों ये ना एक डिफेंसिव, आप मत के चलिए इसे थोड़ा डिफेंसिव स्टॉक के तौर में रखिए, ठीक है, डिफेंसिव स्टॉक में रखिए, यानी जब अगर मार्केट में गिरावट आए तो वो यही वो शेयर्स रहेंगे जो उस गिरावट में आपके पोर्टफोलियो को दोस्तों बचा के रखेंगे। और इसका जो एग्जांपल या कहना कि जो प्रैक्टिकल है वो आपको अभी जो नेगेटिव, अभी जो निफ्टी दोस्तों लगभग 9 से 10% पर क्रैक हुआ था तब ये शेयर उतना नहीं गिरा दोस्तों। और यही मैं कहता हूं कि हर एक स्टॉक में दोस्तों अलग होता है, हर स्टॉक ग्रोथ स्टॉक नहीं होता, हर स्टॉक दोस्तों डिफेंसिव स्टॉक नहीं होता है। तो ये किस प्रकार का दोस्तों स्टॉक है, ये है आपका डिफेंसिव स्टॉक। तो जो लोगों को वॉलेटिलिटी पसंद नहीं है, जिन्हें 5, 4, 5 और 8, 9% का दोस्तों जिन्हें रिटर्न पसंद है, 4-5% जो डिविडेंड चाहिए प्लस एक कंसिस्टेंट रिटर्न चाहिए, वो हर एक डिप में से बाय करें दोस्तों। देखिए अभी इसमें सेल की काफी चांसेस हैं, और जो मैं आपके साथ हमेशा कहता हूं, जब तक सरकार इसमें दोस्तों अपना स्टेक सेल करके एटलीस्ट 75% से नीचे नहीं ले आती, कोई भी रैली आने की कोई भी संभावना नहीं है, ये इस बात का फैक्ट है दोस्तों, ठीक है। कोई भी बड़ा हाउस, कोई भी फंड हाउस इसमें पैसे तब तक नहीं लगाएगा दोस्तों जब तक सरकार की दोस्तों जो स्टेक है ये कम हो करके 75 के आसपास नहीं आ जाती, जो अभी लगभग मेरे ख्याल से 86% के आसपास है दोस्तों। तो ये बात हो गई। प्लस दोस्तों अभी मैं बता दूं आपको, सरकार अभी कोई भी ऐसी बड़े कदम नहीं उठाएगी, क्योंकि याद रखिए सरकार के ऊपर ऑलरेडी बहुत ज्यादा प्रेशर है, किस चीज का, प्राइवेटाइजेशन का। तो आईआरएफसी के लिए ये बल्कि एक अच्छी न्यूज कहूंगा मैं कि नियर टर्म में तो कोई भी अभी कहना चाहिए कि भाई कोई नया प्राइवेट प्लेयर या कोई भी इसमें एंट्री लेने वाला नहीं है, या सरकार गेट ओपन नहीं करने वाली कि भाई हम फाइनेंसेस या लीजिंग सिस्टम हम बाहर से भी लेंगे, ठीक है। और
मैं आपको ये भी बता दूं, सरकार दोस्तों स्टेक अपना सेल अभी नहीं करने वाली, ठीक है? क्यों? क्योंकि मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि अभी ये उतना भी प्राइस में नहीं आया है। आप देखेंगे इसमें जब सरकार सेल करेगी ना, उससे पहले इसमें थोड़ी बहुत रैली आने लगेगी दोस्तों, ठीक है? और जब इसमें रैली आएगी ना, जब ये लगभग 18 से 20 रुपए के आसपास आएगा, कब आएगा नहीं पता दोस्तों, जब भी आएगा तब आप देखेंगे कि उसके थोड़े दिनों बाद ही आसपास ये न्यूज आएगी भाई सरकार अपना स्टेक सेल कर रही है। क्योंकि दोस्तों देखिए, सेबी के नॉर्म के हिसाब से तो सरकार को सेल करना ही पड़ेगा, आज नहीं तो कल, मुश्किल से 2 या 3 ही साल है मुझे जहां तक कंफर्मली याद नहीं आ रहा है। तो याद रखिए, इतने पेशेंट आपको रहना पड़ेगा दोस्तों, कुछ भी क्विकली नहीं होगा इस स्टॉक में, ठीक है? और मैं आपके साथ चर्चा करके आपको एक चीज समझा दूं कि भैया जो IRFC का स्टॉक है ना, ये निचले स्तरों में 20 रुपए, ऊपरी स्तरों में मुझे लगता है दोस्तों 25 रुपए, यही वो रेंज है जहां आपको दिखता रहेगा। 20 रुपए में दोस्तों आसपास इसके बायर्स खड़े हैं बड़े बड़े, 25 रुपए के आसपास यहाँ बहुत ज्यादा दोस्तों सेलिंग प्रेशर आ जाता है। और बाकी दोस्तों इस शेयर में कुछ भी नहीं रखा। हाँ, न्यूज ड्रिवन रैली आती रहेंगी, वो अलग बात है दोस्तों, कभी कुछ हो जाएगा, आप सोचेंगे कि भाई कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, या सरकार IRFC कोई बड़ा काम लेने वाली है, या कोई फंड रेस करने वाली है, या कोई किसी बड़े ब्रोकरेज हाउस ने दोस्तों इसका अपग्रेड कर दिया हो। अगर आपको याद हो तो मेरे ख्याल से अक्टूबर महीने में दोस्तों मूडीज ने इसका दोस्तों जो रेटिंग थी उसे अपग्रेड किया था दोस्तों, ठीक है? उसके बाद हल्का बाउंस बैक आया था। तो ये दोस्तों आता रहेगा, क्योंकि मैं बता दूं, जब कोई फंडामेंटल चेंज आता है ना जिस कंपनी में, तो वो शेयर तो उतना नहीं भागता है दोस्तों, ठीक है? और आप देखिए, मैं आपको अगर वॉल्यूम दिखाऊं, आप इधर देखिए कि 53 लाख ही सिर्फ दोस्तों शेयर की ट्रेडिंग हुई है, केपर 53 लाख, ठीक है? और वॉल्यूम देखिए 45% के आसपास का है, ठीक है? 45.26% का दोस्तों क्या है वॉल्यूम से इसमें। और मैं यही आपसे कह रहा हूं कि ये अच्छी कंपनी है दोस्तों, इसमें डाउट नहीं है। हाँ, लेकिन ये एक PSU है दोस्तों, ये बात अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। तो इससे कोई ऐसी उम्मीद मत रखिए कि इसकी मैनेजमेंट कोई बहुत एग्रेसिव हो जाएगी, नए नए आयाम ढूंढेगी, या नए नए कहते हैं दोस्तों कि नए इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी ढूंढेगी, या अपने सेल को बढ़ाने की, प्रॉफिट को बढ़ाने कुछ चीजें ढूंढेगी। जैसा चलता आया है वैसा चलता आएगा दोस्तों इसमें, ठीक है? और मैं आपको दिखाऊं, आप इसकी वॉल्यूम चार्ट को देखिए, वॉल्यूम्स को देखिए, 53 55 49 63, मतलब केवल दोस्तों कंसोलिडेशन चल रहा है। एक बार स्पाइक आया उसके बाद फिर देखिए, तो दोस्तों समझिए इस बात को, केवल एक्यूमुलेशन चल रहा है, और वो भी बहुत कम वॉल्यूम के साथ। तो इसमें कोई ऐसी चीजें नहीं हो रही हैं, या ऐसी चीजें नहीं है जिसे हमें ये होना चाहिए कि भैया हाँ आने वाले समय कोई रैली आएगी। तो आने वाला हफ्ता दोस्तों मोर और लेस सेम रहेगा जैसे इस बार था, तो कोई बड़ी रैली मत सोचिए, कोई भी खबर नहीं दोस्तों। मैं आपको बता दूं, जब तक मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं दोस्तों, सैटरडे की रात को बना रहा हूं मैं, और कोई भी ऐसी न्यूज नहीं है जिसके कारण कोई बम फट जाए या शेयर अचानक से रॉकेट बन जाए, ये रियलिटी है, और ये बात को आप कंठस्थ करके समझिए। लेकिन हाँ, मैं ये कहूंगा डिफेंसिव स्टॉक जरूर है। वो इन्वेस्टर जो अपने पैसे की वोलेटिलिटी देखने से घबराते हैं, जिनका माइंडसेट इतना चीजों को प्रेशर को नहीं झेल पाता स्टॉक मार्केट के लिए, तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले तो उनको ये कहूंगा म्यूचुअल फंड ट्राई करें। दूसरी बात, अगर करना ही है दोस्तों तो IRFC में दोस्तों निचले स्तरों में बाई कीजिएगा, रैली ना आने से बचिएगा, ठीक है? आपको आराम से 9 से 10% का रिटर्न ये दे देगा दोस्तों, सेफ इन्वेस्टमेंट है, PSU है, ठीक है? ये बात बस अपने ध्यान में रखिएगा। और फिलहाल नियर टर्म में अभी कोई भी ऐसी रैली नहीं है दोस्तों, ठीक है? अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा दोस्तों। और दोस्तों यहां तक जुड़े रहने का आप सभी का धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।